नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय कुशवा महासभा के अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने अपनी आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आप सभी का आज की अखिल भारतीय कुशवा महासभा की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अखिल भारतीय कुशवा महासभा मध्य प्रदेश में और देश में कुशवा समाज के संगठन के लिए सतत कार्य कर रहा है। अखिल भारतीय कुशवा महासभा मध्य प्रदेश की इकाई, वो हमारे मध्य प्रदेश में जातिगत स्तर पर जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए जो शासकीय सेवाओं में जाना चाहते हैं, एमपीपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, वो सब जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, उन बच्चों के लिए अखिल भारतीय कुशवा महासभा के हमारे इस संगठन के माध्यम से हम आने वाले दिनों में आर्थिक मदद मुहैया कराने का काम भी मध्य प्रदेश की धरती पर करने वाले हैं। भाइयों साथियों, दूसरा विषय जो हमारे बीच में है, बेरोजगारी एक हमारे भारत में बड़ा मुद्दा है और युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो सके, इसलिए अखिल भारतीय कुशवा महासभा के मंच पर हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर जो हमारे संभाग केंद्र हैं, उन संभाग केंद्रों पर पढ़े लिखे छात्रों को, छात्राओं को, होनहार छात्रों को जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है, जिनके पास में डिग्री है और उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अखिल भारतीय कुशवा युवा महासभा के माध्यम से आने वाले दिनों में प्रत्येक संभाग केंद्र पर अखिल भारतीय कुशवा महासभा युवा रोजगार मेले लगाने का काम करेगी। हम कई कंपनियों के माध्यम से अपने सामाजिक जो हमारे लोग उद्योगपति हैं उनके माध्यम से भी और अन्य कंपनियां जो काम करती हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे समाज के होनहार युवाओं को कहीं ना कहीं वो पदस्थ करें और नौकरी देने का काम करें, नौकरी पैसा हमारे छात्र और छात्राएं भी हो सकें। ऐसा कार्य आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। बड़ा विषय दूसरा और जो हम लेकर आए हैं, हम सभी के बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी बैठे हैं, लगातार सतत दिल्ली में और देश भर में दौरा वो करते हैं, तो देश भर में मध्य प्रदेश की इकाई के माध्यम से जो अपेक्षा राष्ट्रीय स्तर की रहती है, उस राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा में मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कुशवा महासभा जो छात्र छात्राओं के अलावा किसानी के क्षेत्र में कुशवा मध्य प्रदेश में अधिक कार्य करता है और खेती किसानी हमारा मूल रूप से धंधा है, उस खेती किसानी के धंधे को कर ही हम अपना जीवन यापन मध्य प्रदेश में करते हैं, तो ऐसे खेती किसानी करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं, हम उन किसान भाइयों के बीच में भी अखिल भारतीय कुशवा महासभा के माध्यम से जिले वार जाएंगे और प्रत्येक जिले में जैविक खेती की ओर हमारा किसान भाई भी अग्रसर हो, और जैसा कि पूरे देश में एक माहौल अभी बना है कि जैविक की उन्नत फसल हम उपलब्ध करा सकें देश की जनता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय कुशवा महासभा की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, आइए जानते हैं क्या है मामला। सर बताएं आप किस कारण से प्रेस वार्ता आयोजित की थी आपने? कुशवा समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को नौकरियां प्रदान हो सकें, वो आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने का काम भी समिति और हमारी महासभा की ओर से किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी देने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता यहां पर की गई थी। हमारे कुछ छात्र इस प्रकार के हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार होकर वो अपनी नौकरी की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं। आने वाले दिनों में संभाग केंद्रों पर कुशवा महासभा के माध्यम से रोजगार मेले लगाने का काम भी हमारी अखिल भारतीय कुशवा युवा महासभा करेगी। क्या लगता है आपको, बीजेपी कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं कुशवा समाज की, सीधे सीधे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इस तरीके से? देखिए, उपेक्षा करना और साथ में लेना, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल हैं, समाज का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए दोनों पार्टियों में, मुझे लगता है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। दोनों पार्टियां विचार करें, पक्ष और विपक्ष दोनों विचार करें और समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करें, ये मेरा आग्रह है। रूप से चुनौती समझे हम इसको, क्या आग्रह समझे, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा आग्रह ही है, अगर आने वाले दिनों में इस पर विचार नहीं किया जाता है तो चुनौती भी हो सकती है, लेकिन आज तो मैं आग्रह कर रहा हूँ दोनों राजनीतिक दलों से कि समाज के प्रतिनिधित्व को मानते हुए हमें स्थान देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये कुशवा समाज के अध्यक्ष थे, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं रश्मि जैन, यस जाड़ा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ भोपाल।